तो देखो, पिछले वीडियो में हमने देखा था ना कि जो प्रोफेसर गायतोंडे होते हैं वो मस्त लाइब्रेरी में बुक पढ़ते रहते हैं दिन भर, और फिर रात को 8 बजे लाइब्रेरी से निकलते हैं। फिर उन्हें वहीं बगल में एक गेस्ट हाउस मिल जाता है। वो हल्का फुल्का मतलब लाइट डिनर करते हैं और उसके बाद आजाद मैदान की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ पे गायतोंडे देखते हैं कि बहुत सारे लोग एक पंडाल की तरफ जाने लगते हैं। उस पंडाल में एक लेक्चर चल रहा होता है। और देखो, क्योंकि प्रोफेसर गायतोंडे को ऐसे लेक्चर्स देने का बहुत ज्यादा शौक था, तो इसी हैबिट की वजह से वो वहाँ पे चले जाते हैं। और फिर वहाँ पहुँचने के बाद गायतोंडे जी जो होते हैं ना, वो ऑडियंस को देखने के बजाय, मतलब लोगों को देखने के बजाय, एक चेयर और एक टेबल को देखने लगते हैं, जो कि बिल्कुल अनऑक्यूपाइड रखी हुई थी। मतलब उस टेबल और चेयर में कोई भी नहीं बैठा था। और अब देखो, स्टेज के बगल में अगर कोई अनऑक्यूपाइड चेयर रखा हुआ है तो उसका क्या मतलब होता है कि वो वहाँ के चीफ गेस्ट का होगा या फिर किसी और बड़े इंसान का होगा। और वो जो चेयर होती है ना, वो गंगाधर पंत को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही होती है, जैसे एक मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट करता है ना, वैसे ही। लेकिन देखो, गंगाधर पंत को इससे क्या लेना देना, उनको एकदम मस्त इंसान थे। वो क्या करते हैं ना, जाके चेयर में बैठ जाते हैं। फिर अचानक से जो स्पीकर होता है ना, वो रुक जाता है, मतलब जो लेक्चर सुना रहा होता है वो रुक जाता है, लेकिन फिर वो कंटिन्यू कर जाता है। वो काफी शॉक्ड हो जाता है वैसे देख के गंगाधर पंत को ऐसे बैठे हुए। लेकिन फिर ऑडियंस से आवाज आने लगती है, लोग चिल्लाने लगते हैं कि जल्दी से उस चेयर को खाली करो। उस चेयर में कोई भी चेयर पर्सन नहीं बैठता, मतलब उस चेयर के ऊपर कोई बैठता नहीं है, वो बस उनका रिचुअल है, वो बस उनका कस्टम है। फिर गंगाधर पंत अंदर ही अंदर सोचते हैं, अरे ये क्या नॉनसेंस है, ऐसा कौन सा पब्लिक लेक्चर होता है जिसमें कोई चेयर पर्सन नहीं आता है। उसके बाद प्रोफेसर गायतोंडे वहां से उठते हैं और माइक की तरफ जाते हैं और अपनी व्यूज शेयर करने लगते हैं लोगों के साथ। वो कहते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, an unchaired lecture is like Shakespeare Hamlet without the Prince of Denmark. मतलब कि प्रोफेसर ये कहना चाहते हैं कि बिना चेयरपर्सन का एक पब्लिक लेक्चर होना या फिर अनचेयर्ड लेक्चर होना बिल्कुल एक शेक्सपियर की प्ले के तरह है जिसमें उनका मेन कैरेक्टर ही ना हो, जैसे कि शेक्सपियर हैमलेट में प्रिंस ऑफ डेनमार्क ही ना हो। और जो प्रिंस ऑफ डेनमार्क है ना, वो शेक्सपियर हैमलेट का एक मेन कैरेक्टर है। हालांकि पब्लिक को सुनने का कोई शौक नहीं था, वो लोग अपने मस्त है। वो लोग उधर से चिल्ला के बोलते कि प्लीज आप अपना ज्ञान यहाँ ना दे, हमें ज्ञान लेने की कोई शौक नहीं है, हम लोग ऑलरेडी बहुत ज्यादा तंग है चेयर पर्सन की लेक्चर सुन सुनकर। वो लोग आते हैं, लंबी लंबी इंट्रोडक्शन देते हैं, वोट के लिए थैंक्स मांगते हैं, मतलब समझ रहे हो ना, बस नेतागिरी करने आते हैं। हम तो भैया बस स्पीकर को सुनना चाहते हैं। और ये जो ओल्ड कस्टम है ना, जिसमें बड़े बड़े चेयर पर्सन आते थे, बड़े बड़े नेता लोग आते थे, ये वाला कस्टम हम बहुत पहले ही बंद कर चुके हैं, इसलिए प्लीज आप प्लेटफॉर्म को खाली कीजिए और यहाँ से निकलिए। लेकिन गंगाधर पंत भी नॉर्मल आदमी नहीं थे, बहुत एक्सपीरियंस आदमी थे। उन्होंने ऑलरेडी 999 बार मीटिंग्स रख चुकी थी और ये उनका 1000वां बार था, मतलब 1000वां बार था जब वो ऐसा पब्लिक मीटिंग में स्पीच दे रहे होते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि उनके साथ कभी कोई खराब एक्सपीरियंस ना हुआ हो। ऑलरेडी हो चुका है एक बार पुणे में, जब जो ऑडियंस थी ना, वो बहुत ज्यादा एंग्री फॉर्म में थी, बहुत ज्यादा गुस्से में थी, तब भी उन्होंने बहुत अच्छे से लेक्चर को दिया है और पब्लिक का माइंडसेट को चेंज किया है, तो इस बार भी वो ऐसे ही लेक्चर को कंटिन्यू रखते हैं। लेकिन जो पब्लिक होती है ना, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, वो टोमेटोज, एग्स और अदर ऑब्जेक्ट को उनके ऊपर फेंकने लगती है। और फिर जल्दी ही वो जो पब्लिक होती है ना, वो स्टेज के ऊपर चढ़ जाती है और गंगाधर पंत को घसीट के वहां से गिरा देती है। और सबसे अजीब बात तो यहाँ शुरू होती है कि उसके बाद जो गंगाधर पंत होते हैं ना, वो गिरते के साथ गायब हो जाते हैं। एंड गेस व्हाट, इस पॉइंट पे वो रियल वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं और राजेंद्र प्रसाद जी से बातें करने लगते हैं। वो राजेंद्र प्रसाद जी को सब कुछ बताते हैं और फिर वो ये भी बताते हैं कि सुबह में जब उनकी आंख खुली तब वो आजाद मैदान में पड़े हुए थे। फिर गंगाधर पंत राजेंद्र प्रसाद जी से ये भी पूछते हैं कि आखिर वो दो दिन जब मैं इस दुनिया से गायब था, तब मैं कहाँ था इस दुनिया में, मतलब इस दुनिया में, मेरे वाले दुनिया में मैं आखिर दो दिन से क्या कर रहा था। ये बात सुनकर राजेंद्र प्रसाद जी पहले तो कुछ वक्त लेते हैं सब कुछ समझने के लिए। पहले वो समझते हैं कि आखिर ये इंसान बोलना क्या चाहता है। फिर राजेंद्र जी कहते हैं सोचकर कि प्रोफेसर, जब दो दिन पहले आपकी ट्रक से टक्कर हुई थी, उससे पहले आप क्या कर रहे थे। जिस पे प्रोफेसर कहते हैं कि इस पॉइंट पे मैं कैटास्ट्रोफ थ्योरी के बारे में सोच रहा था और ये सोच रहा था कि अगर मैं इस थ्योरी को हिस्ट्री में लगाता हूं, तो क्या आउटकम निकलेगा। तो देखो, सबसे पहले तो मैं कैटास्ट्रोफ थ्योरी का मतलब बता देता हूं। तो इस थ्योरी का मतलब ये होता है ना कि अगर किसी एक पॉइंट पे छोटा सा भी चेंज आता है, तो उससे पूरा दुनिया कैसे इफेक्ट होगा, मतलब उस छोटे से चेंज से पूरा फ्यूचर कैसे चेंज होगा। कोई बात नहीं, अगर समझ नहीं आया तो बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। मान लो जिस दिन मैं इस चैनल में पहला वीडियो अपलोड करता हूँ, मतलब जब मैं लेटर टू गॉड अपलोड करता हूँ, अगर उस दिन मैं उस वीडियो को अपलोड नहीं करता और मम्मी के साथ मैं शॉपिंग करने चला जाता, तो क्या होता। ज्यादा कुछ नहीं होता, बस ये चैनल एग्जिस्ट नहीं करता एंड लाखों बच्चों को बुक पढ़ना पड़ जाता खुद से, एंड मे बी शायद कुछ लोगों को स्टोरी या फिर चैप्टर समझ नहीं आता और उससे उन लोगों का मार्क्स इफेक्ट होता। ज्यादा तारीफ कर दिया क्या खुद का।
खैर खैर वो टॉपिक को साइड में रखते हैं, होप सो तुम्हें कैटास्ट्रोफी थ्योरी समझ में आई होगी कि ये बोलते किसको है। ये बात सुनकर राजेंद्र प्रसाद जी स्माइल करते हैं और ये देखकर गंगाधर प्रसाद जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो कहते हैं कि आप प्लीज स्माइल मत कीजिए, आपको क्यों लग रहा है कि मैं आपके साथ ट्रिक खेल रहा हूं और मैं आपको बस ऐसे ही मतलब मन में जो कुछ आ रहा है बस वो बोल दे रहा हूं। और उसके बाद गंगाधर पंत ये भी कहते हैं कि आपको विश्वास नहीं है ना, रुकिए मैं एक एविडेंस अपने साथ लाया हूं और मैं अभी आपको वो चीज दिखाने वाला हूं। और फिर वो अपने पॉकेट से एक पेज निकालते हैं जो कि भाकर बुक का एक पेज था और वो उसे राजेंद्र जी को दे देते हैं, जिसके बाद राजेंद्र जी की जो हंसी होती है ना और जो स्माइल होती है वो एकदम सीरियस टोन में बदल जाती है। और इस पॉइंट पे राजेंद्र प्रसाद जी को देख के ही पता चल रहा था कि वो कितना ज्यादा शॉक्ड है उस पेज को देखकर। और ये जो पेज था ना जो गंगाधर पंत अपने पैकेट से निकाल के राजेंद्र प्रसाद जी को देते हैं, ये उनके लिए बहुत ही बड़ा एडवांटेज का काम कर जाता है जो कि ये प्रूव करता है कि वो दूसरे दुनिया से इस दुनिया में आए हैं। और फिर गंगाधर पंत बताते हैं कि जब वो लाइब्रेरी से निकलकर मील खाने मतलब रात का डिनर खाने जो मैंने तुम्हें बताया पहले वाले पेज में जब वो गए थे, तब जब वो बिल पे कर रहे थे ना तभी उन्हें रियलाइज हो गया था कि उनके पैकेट में गलती से भाकर बुक रह गया है, जो कि गंगाधर पंत सोचे थे कि नेक्स्ट डे वो जाके उसे रिटर्न कर देंगे उस लाइब्रेरियन को। और फिर जो हादसा उनके साथ आजाद मैदान में हुआ उस पॉइंट ऑफ टाइम में वो जो बुक था ना वो तो कहीं गिर गया, लेकिन वो जो पेज था उस बुक का एक फटा हुआ पेज था वो उनके पैकेट में रह गया। एंड तुम्हें पता है वो पेज का बेस्ट पार्ट क्या है कि वो पेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेज था उस बुक का। उस पेज में लिखा हुआ था कि कैसे वो जो बुलेट थी ना वो विश्वास राव को मिस कर गई थी, मतलब वो बुलेट कैसे विश्वास राव को नहीं लगी थी और वो मिस करके उनके पास से चली गई थी, जिसके कारण दूसरे वर्ल्ड में मराठा आर्मी जीत गई थी और ये जो पूरा हिस्ट्री था ना, ये जो पूरा दुनिया था मतलब वो जो पूरा दुनिया था वो पूरा चेंज हो गया था। और फिर गंगाधर पंत इस वाले वर्ल्ड के भाकर बुक को निकालते हैं और सेम वही पेज खोलते हैं, पर इस बुक में ये लिखा हुआ था कि जो विश्वास राव होते हैं ना वो अपने हॉर्स पे बैठकर उस वार में जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बच नहीं पाते हैं क्योंकि वो जो बुलेट था ना वो उन्हें पेनिट्रेट कर जाता है और विश्वास राव का वहीं डेथ हो जाता है। और उस बुक में ये भी लिखा हुआ था कि गॉड ये चाहते थे कि भगवान ये चाहते थे कि वो वार मराठास जीते ही ना। फिर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि प्रोफेसर गायतोंडे तुमने मुझे फूड फॉर थॉट दिया है, मतलब तुमने मुझे सोचने के लिए बहुत ज्यादा चीज दे दिया है एंड अब मुझे लग रहा है कि तुम सच बोल रहे थे, और पहले तो मुझे लग रहा था कि तुम बस मुझे इमेजिनेशन बता रहे हो, तुम बस मुझे फैंटेसीज के बारे में बता रहे हो, लेकिन अब तुमने मुझे जाकर कुछ प्रॉपर मटेरियल एविडेंस दिया है जिससे मैं तुम्हारी बातों पे यकीन कर सकूं और अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि फैक्ट्स जो होते हैं ना वो फैंटेसीज से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं। जिसपे गायतोंडे कहते हैं फैक्ट्स, कौन सा फैक्ट्स, जल्दी बताओ मैं मर रहा हूँ ये जानने के लिए, मतलब सच में नहीं मर रहा हूँ जानने के लिए, समझ रहे हो ना बात को। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी जो होते हैं ना वो अपने ही रूम में वॉक करने लगते हैं आगे पीछे, और थोड़ी देर वॉक करने के बाद सोचने के बाद वो अचानक से गायतोंडे जी की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं ये सब कुछ जो तुमने मुझे बताया ना ये मैं दो थ्योरीज की मदद से तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। राजेंद्र जी ये भी कहते हैं कि मैं पूरा श्योर तो नहीं हूं कि मैं तुम्हें कन्विंस कर पाऊं, लेकिन हां मैं ट्राई जरूर करूंगा, और ये बात तो मानना पड़ेगा कि तुमने बहुत ही ज्यादा फैंटास्टिक एक्सपीरियंस को फेस किया है, या फिर अगर मोर करेक्टली बोले तो कैटास्ट्रोफिक एक्सपीरियंस। जिसपे प्रोफेसर गायतोंडे कहते हैं कि जल्दी प्लीज कंटिन्यू कीजिए, मैं आपकी बातों को ध्यान से सुन रहा हूँ। राजेंद्र जी कहते हैं कि तुमने कैटास्ट्रोफी थ्योरी के बारे में तो सुना ही है ना, तो चलो इसे बैटल ऑफ पानीपत पे लगाते हैं क्योंकि जमीन में लड़ी हुई वार इस थ्योरी की बेस्ट एग्जांपल होती है। जैसे जो मराठा की आर्मी थी ना वो अब्दाली की आर्मी से लड़ रही थी बैटल ऑफ पानीपत में, और इसमें जो अब्दाली की आर्मी है ना वो अपोजिंग फोर्स है, मतलब वो बाहर से आए हुए इन्वेडर्स हैं, और दोनों जो आर्मी थी ना इन दोनों आर्मी के बीच में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं था, बस इसके अलावा कि जो अब्दाली की आर्मी थी ना वो इन्वेडर्स थे और हमारे जो मराठास थे ना वो अपने जगह को बचा रहे थे। दोनों ही आर्मीज की जो स्ट्रेंथ थी, जो आर्मर थी, वो ऑलमोस्ट सेम पावर की थी, मतलब ये जो वार था ना वो एकदम नेक टू नेक फाइट था, तो इसलिए वार में कौन जीतेगा ये तो उनके लीडर्स के ऊपर डिपेंड करता है और ट्रुप्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने मोरली स्ट्रांग है। बेसिकली इस पे डिपेंड करता है कि किसका लीडर ज्यादा बेटर है, मराठास का लीडर ज्यादा बेटर है या फिर अब्दाली का जो लीडर है वो ज्यादा बेटर है, और इन दोनों की जो ट्रुप्स है ना इनको खुद पे कितना ज्यादा विश्वास है इस पे। और जब विश्वास राव को गोली लगती है तो वो एक मेजर टर्निंग पॉइंट था इस वार का, और उसके बाद जो भाऊ साहेब होते हैं ना वो भी एकदम से ट्रुप्स के बीच में लड़ने जाते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं। और इसके बाद भाऊ साहेब का क्या हुआ, वो वहां पे जाके मर गए या फिर उसके बाद वो वहां से स्केप कर गए मतलब बच निकले, इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चला। लेकिन फिर जो मराठा की आर्मी थी ना उन्होंने देखा कि उनके लीडर ऑलरेडी हार चुके हैं तो वो लोग भी हार मान जाते हैं, उनका मोराल डाउन हो गया, उनका फाइटिंग स्पिरिट जो था ना वो भी खत्म हो गया, इसलिए ज्यादातर जो ट्रुप्स थे ना वो वहां से भाग निकले। बट ये सब तो रियल वर्ल्ड में हुआ था, लेकिन जैसा कि तुमने मुझे उस पेज में दिखाया उसमें जो विश्वास राव थे ना उनको तो गोली ही नहीं लगती है, तो इसलिए उस वार का जो मेजर टर्निंग पॉइंट था ना वो पूरी तरह से पलट जाता है। और क्योंकि उस वार में विश्वास राव नहीं मरे, जिसके वजह से उनके जो ट्रुप्स थे, उनकी जो आर्मी थी, जो मराठा की आर्मी थी ना, उनका आत्मविश्वास एकदम से बढ़ जाता है, वो लोग और भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने लगते हैं और जिसके वजह से वो लोग वो वार जीत जाते हैं। अरे बेसिकली ये सब चीजों से हमें ना कैटास्ट्रोफी थ्योरी के बारे में
बताया गया है कि कैसे एक छोटा सा चेंज आगे चलकर एक बड़ा सा चेंज फॉर्म मतलब कर सकता है। मैंने तुमको अपना चैनल वाला एग्जांपल दिया ना, वैसे तुम लोग रिलेट कर सकते हो। और इसलिए दूसरी जो दुनिया थी ना, उस दुनिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अच्छे से इंडिया के ऊपर पकड़ नहीं बना पाई। इंडिया कभी ब्रिटिशर्स का गुलाम बना ही नहीं था दूसरे वर्ल्ड में। और साथ ही साथ इंडिया में साइंस और टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट था ना, वो बहुत ही ज्यादा फास्ट तरीके से हुआ। और इसी तरह दूसरे वर्ल्ड की जो इंडिया थी ना, उसमें डेवलपमेंट बहुत ज्यादा फास्ट हुई थी। जिसपे जो प्रोफेसर होते हैं, मतलब जो गंगाधर पंत होते हैं ना, वो कहते हैं कि हाँ हो सकता है। और ऐसे ही स्टेटमेंट जो है ना, वो बैटल ऑफ वाटरलू के बारे में भी बोला जाता है कि अगर उस वार में छोटा सा चेंज नहीं होता, अगर नेपोलियन जिंदा बच जाते तो शायद वो वार जीता जा सकता था, और उसके बाद जो पूरी हिस्ट्री होती, जो पूरा फ्यूचर होता ना, वो भी पूरा डिफरेंट होता। पर ये सारी बात तो स्पेकुलेशंस है, कभी भी ये रियलिटी नहीं बन सकती है हमारे दुनिया में। मतलब ये सब चीज तो बस सोचने की बात है ना, असलियत में तो ऐसा नहीं हो सकता। हम लोग पास्ट में जाके चीजों को चेंज नहीं कर सकते, खासकर अपने वाले दुनिया में। जिसके बाद राजेंद्र जी कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तो मैं अब दूसरे पॉइंट पे आता हूं जो तुम्हें बहुत ज्यादा अजीब लग सकता है। और फिर वो कहते हैं, हम बस रियलिटी को देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं अपने सेंसेस से, मतलब देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, मतलब वही सब चीज यार। पर क्या ये जरूरी है कि जिस चीज को हम फील कर सकते हैं, जिस चीज को हम महसूस कर सकते हैं, जिस चीज को हम अपने सेंसेस से समझ सकते हैं, क्या बस वही रियलिटी है? जैसे कि अगर किसी छोटी चीज को लेते हैं, एक एटम को लेते हैं, तो हम एक एटम को देख तो नहीं सकते हैं ना, तो क्या वो रियलिटी नहीं है? एटम जो होता है ना, उसे हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे प्रोसेस चल रहे होते हैं। चाहे हम कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन हम एटम के बिहेवियर को नहीं पहचान सकते हैं। हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि अगले ही पल वो जो एटम है ना, वो अपना क्या बिहेवियर दिखाएगा और वो कहाँ स्टे करेगा। चाहे हम कितने भी फिजिकल लॉस को देखें, कितना भी फिजिकल लॉ पढ़ लें, लेकिन फिर भी हम नहीं बता पाएंगे कि अगले ही पल जो एटम है ना, वो कहाँ मिलेगा। ऐसे कि एक फिजिसिस्ट को ही ले लो, वो बस ये डिस्कवर कर सकता है कि एटम कैसे मूव कर रहा है, लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉन को फायर करूँ, तो क्या वो फिजिसिस्ट ये बता सकता है कि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगी? लेकिन वहीं अगर हम बुलेट से एक गोली फायर करते हैं ना, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि वो गोली कहाँ तक जाएगी। बट सेम चीज इलेक्ट्रॉन के केस में नहीं होता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन को फायर करते हैं, तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ तक जाएगी। इलेक्ट्रॉन कैन बी हेयर और देयर, मतलब वो कहीं पे भी हो सकता है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, लेकिन फिर भी जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक ही जगह पे हो सकता है, वो एक स्पेसिफाइड जगह पे ही होगा एक पर्टिकुलर टाइम पे। जिसमें राजेंद्र जी कहते हैं कि तुम्हें कैटास्ट्रोफी थ्योरी के बारे में तो पता थी, लेकिन क्या तुम्हें इस थ्योरी के बारे में पता थी जो मैंने अभी तुम्हें एक्सप्लेन किया? इस थ्योरी का नाम है द लैक ऑफ डिटरमिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी। अरे मतलब यही थ्योरी कि हम एक एटम या फिर इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को ट्रेस नहीं कर सकते। फिर राजेंद्र जी ये भी कहते हैं कि मेरे जैसा एक हिस्टोरियन भी इस फिजिक्स की थ्योरी को जानता है। और चलो अब तुम इमेजिन करो कि तुम एक छोटे स्केल में इलेक्ट्रॉन हो, और तुम्हारे सामने बहुत सारी दुनिया है, बहुत सारी वर्ल्ड्स हैं, लेकिन तुम उन्हें देख नहीं सकते हो क्योंकि तुम बहुत छोटे हो। तो जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कहीं पे भी ट्रैवल कर सकता है। चाहे तुम अभी इस दुनिया में हो, कभी तुम उस दुनिया में पहुंच जाओगे, और फिर अगले ही पल तुम तीसरी दुनिया में, फिर अगले पल चौथी दुनिया में पहुंच जाओगे। और जब एक ऑब्जर्वर उस इलेक्ट्रॉन को ढूंढ लेता है कि वो किस वर्ल्ड में है, किस जगह पे है, उस ऑब्जर्वर को लगता है कि वही रियलिटी है, वही वर्ल्ड जिसे वो देख पा रहा है वही रियलिटी है, जिस वर्ल्ड में उस वक्त वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि दूसरी दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती है, दूसरी वर्ल्ड एग्जिस्ट नहीं करती है। और फिर इतना बोलते बोलते जो राजेंद्र जी होते हैं ना, वो खुद सदमे में चले जाते हैं, मतलब खुद सोचने के लिए थोड़ा वक्त लेते हैं कि उन्होंने क्या बोल दिया और आगे उनको थॉट्स को किस तरह से प्रेजेंट करना है। अरे मतलब तुम लोग खुद सोचो ना कि तुम्हारे बुक में कितने कॉम्प्लिकेटेड वे में दिया हुआ है, मतलब जो राजेंद्र जी जो है ना, उन्होंने कितने कॉम्प्लिकेटेड वे में सोचकर बोला है, और फिर मैं तुम लोग को कितने इजी वे में ऐसे प्रेजेंट करके सुना रहा हूँ। तो इसलिए जो राजेंद्र जी होते हैं ना, वो थोड़ा टाइम लेते हैं आगे के थॉट्स को सोचने के लिए। तो जब तक राजेंद्र जी सोच रहे होते हैं ना, तब तक प्रोफेसर मतलब जो गायतोंडे जी होते हैं, वो पूछते हैं, तो क्या इन सारे वर्ल्ड्स में, क्या इन सारे वर्ल्ड्स के आपस में बीच में कोई कॉन्टैक्ट है? इसमें राजेंद्र जी कहते हैं कि हाँ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे कि दो वर्ल्ड को इमेजिन करो, और दोनों ही वर्ल्ड में जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो ऑर्बिट के अराउंड घूम रहा है, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम के अराउंड। इतना राजेंद्र जी बोल ही रहे होते हैं कि गंगाधर पंत बीच में इंटरप्ट करके बोलते हैं कि जैसे सन के अराउंड बहुत सारे प्लैनेट्स घूमते हैं वैसे ही ना। जिसपे राजेंद्र जी कहते हैं कि नहीं नहीं वैसे नहीं, जो प्लैनेट्स होते हैं ना, वो एक ट्रैजेक्टरी के ऊपर घूमते हैं, मतलब वे में घूमते हैं, ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जैसे तैसे कहीं पे भी घूमते रहते हैं। मतलब बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स का कोई फिक्स्ड पाथ नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फर्स्ट स्टेज में घूम रहा है, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है, तो जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में होगा, जब फर्स्ट स्टेज में होगा, तब उसकी एनर्जी बहुत हाई होगी, और वहीं जब वो सेकंड स्टेज में होगा तो उसकी एनर्जी थोड़ी कम हो जाएगी। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज जा सकता है अगर वो थोड़ा सा एनर्जी लूज कर दे तो, और वो सेकंड स्टेज से फर्स्ट स्टेज में भी आ सकता है अगर वो एनर्जी गेन कर ले तो, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। और ये सारी चीजें होना एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बहुत ही ज्यादा कॉमन है, लेकिन क्या होगा अगर हम इन सारी चीजों को एक मैक्रोस्कोपिक लेवल पे इमेजिन करें?
जिसपे गंगाधर पंत जी कहते हैं कि हाँ मुझे तुम्हारी थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आ रही है, तुम ये कहना चाहते हो कि मैं एक ह्यूमन इलेक्ट्रॉन हूँ जो दूसरे वर्ल्ड में इसी थ्योरी के बेसिस पे ट्रैवल कर लिया है एंड इसी थ्योरी के अकॉर्डिंग मैं वापस से अपने वर्ल्ड में भी आ गया हूँ। जिसपे राजेंद्र जी कहते हैं कि हाँ ये बहुत ही ज्यादा फैंटास्टिक लग रहा है और देखा जाए तो मेरे पास इसके अलावा कोई और एक्सप्लेनेशन नहीं है तुम्हें इस पूरे प्रोसेस को समझाने के लिए। और देखो क्योंकि एक जो ऑब्जर्वर होता है ना वो एक टाइम पे एक ही वर्ल्ड में होता है तो वो इसलिए एक ही तरह की रियलिटी को एक्सपीरियंस कर पाता है तो इसलिए वही वर्ल्ड उसकी एक्चुअल रियलिटी हो जाती है। लेकिन जो प्रोफेसर गायतोंडे होते हैं ना वो एक ट्रांजिशन करते हैं दूसरे वर्ल्ड में और इसके वजह से उनकी जो रियलिटी होती है ना वो दो रियलिटी जीने लगते हैं, एक तो जिस वर्ल्ड में वो रह रहे हैं और दूसरा वो वर्ल्ड जहाँ की हिस्ट्री थोड़ी सी डिफरेंट है। और क्योंकि आप एक टाइम पे एक ही रियलिटी पे रह सकते हो तो इसलिए जब आपका कॉन्शियस माइंड दूसरे वर्ल्ड में था ना तब इस रियलिटी में मतलब इस वर्ल्ड में आप कोमा में थे, उस ट्रक से एक्सीडेंट होने के बाद आप कोमा में थे इस वर्ल्ड में। और जैसा कि तुम देख सकते हो ये जो सेपरेशन और ये जो बाइफर्केशन आया है हमारे वर्ल्ड में और दूसरे वर्ल्ड में ये बस बैटल ऑफ पानीपत के वजह से आया है। तो इससे ये पता चलता है ना कि तुम दूसरे वर्ल्ड में नहीं गए थे बल्कि तुम एक पैरेलल वर्ल्ड में चले गए थे जो कि इसी वर्ल्ड का एक रेप्लिका है जहां पे थोड़ी चेंजेस हो चुकी है। और फिर राजेंद्र जी ये भी कहते हैं कि इस वजह से मैं ये कह सकता हूं, ये चीज मैं सोच सकता हूं कि हमारे जैसे ही और भी बहुत सारी वर्ल्ड होगी जिसमें थोड़ी थोड़ी हिस्ट्री में चेंजेस आई होगी और वहां पे जो पूरी दुनिया होगी ना वो पूरी डिफरेंट तरह से वॉक कर रही होगी, चल रही होगी। और इस तरह से जो राजेंद्र जी होते हैं ना वो अपनी पूरी थ्योरी को पूरी जो वो जो कुछ भी सोचे हुए रहते हैं इस तरह से वो समराइज करते हैं और एंड कर देते हैं। लेकिन जो प्रोफेसर थे मतलब जो गंगाधर पंत थे ना उनके मन में एक बहुत ही अजीब सा सवाल चल रहा था कि आखिर उन्होंने ही क्यों ट्रांजिशन किया दूसरे वर्ल्ड में। इस पे राजेंद्र जी कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है मुझे ये कैसे पता होगा, अगर मुझे ये चीज पता होता तो शायद मैं बहुत सारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर चुका होता, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे इस सवाल का जवाब तो बिल्कुल भी नहीं पता है। और ऐसे भी साइंस के अंदर ऐसी बहुत सारी अनसॉल्वड क्वेश्चंस है और ये जो क्वेश्चन है ना ये भी उन्हीं में से एक है कि आखिर तुमने ही ट्रांजिशन क्यों किया और आखिर कोई इंसान कैसे दूसरे वर्ल्ड में ट्रांजिशन कर सकता है। बट फिर राजेंद्र जी कहते हैं कि भले ही हमें इसका सॉल्यूशन या फिर इसका आंसर ना पता हो लेकिन हम सोच तो सकते ही है, मतलब हम गेस तो कर ही सकते हैं कि आखिर ये कैसे हुआ होगा। जिसके बाद राजेंद्र जी स्माइल करते हुए कहते हैं कि जैसे कि तुम्हें पता है कि जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो जब ट्रांजिशन करता है तो उसका मेन रीजन रेडिएशन होता है कि अगर उसे फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज जाना है तो उसे रेडिएशन थोड़ा गवाना पड़ेगा और अगर सेकंड स्टेज से फर्स्ट स्टेज जाना है तो उसे थोड़ा रेडिएशन लेना पड़ेगा। तो हो सकता है कि जब तुम्हारा उस ट्रक के साथ टक्कर हुआ तब तुम इस थ्योरी मतलब कैस्ट्रोप थ्योरी के बारे में सोच रहे होगे। और क्योंकि ये सब कुछ बहुत ही जल्दी और बहुत ही अचानक से हुआ और तुम ये भी सोच रहे होगे कि अगर ये थ्योरी को बैटल ऑफ पानीपत में लगाए तो क्या होगा, और तभी अचानक से सब कुछ बहुत ही जल्दी में हो जाता है मतलब ये जो टक्कर है ये हो जाता है तो तुम्हारा जो कॉन्शियस माइंड है ना वो दूसरे पैरेलल वर्ल्ड में पहुंच गया होगा। और इसी तरह से जब क्राउड ने गंगाधर पंत को उठाकर नीचे फेंक दिया होगा तब वापस से उनका ट्रांजिशन रियल वर्ल्ड में हो गया होगा। जिस पर प्रोफेसर गायतोंडे कहते हैं कि हाँ हो सकता है और ये जो गेस था ना ये काफी अच्छा गेस था क्योंकि जिस वक्त ये कोलिजन हुआ, जिस वक्त मैं उस ट्रक से टकराया तब सच में मैं इसी बारे में सोच रहा था कि अगर कैटस्ट्रोप थ्योरी को बैटल ऑफ पानीपत में लगाए तो क्या होगा। और वो इस बारे में इसलिए सोच रहे थे ना क्योंकि उनका जो अगला स्पीच था मतलब 999 के बाद जो उसका 999 के बाद जो उनका 1000वां स्पीच था मतलब जो 1000 स्पीच, अरे यार उनका जो 1000 स्पीच था ना वो इसी टॉपिक के ऊपर था। जिसपे राजेंद्र जी हंसते हुए कहते हैं कि चलो अच्छा ही है, अब तुम जब स्पीच दोगे ना तो तुम्हें ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, तुम अपनी रियल लाइफ एक्सपीरियंस को ही लोगों के सामने पेश कर सकते हो मतलब बोल सकते हो। जिसपे गंगाधर पंत बहुत ही ज्यादा सीरियस होकर कहते हैं कि नहीं राजेंद्र, मैंने ऑलरेडी अपना 1000वां स्पीच दे दिया है आजाद मैदान में और उस वक्त लोग मेरे ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे और वो एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और फिर वो कहते हैं वो जो प्रोफेसर गायतोंडे था ना जो चेयर को डिफेंड करते हुए से उस दूसरी दुनिया से गायब हो गए थे, उस प्रोफेसर गायतोंडे को अब कोई भी नहीं देखेगा और वो कभी भी अब अपना स्पीच नहीं देंगे। और जहां मैं अभी स्पीच देने जा रहा था ना मैंने ऑलरेडी उन सबको सॉरी बोल दिया है और मैं ये बोल दिया हूँ कि अब मैं वहां स्पीच देने नहीं जा पाऊंगा। एंड इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर होता है ना ये खत्म होता है। होप सो तुम्हें अच्छा लगा हो, बहुत ही ज्यादा बड़ा चैप्टर था हाँ बट मजेदार था, थोड़ा टाइम ट्रैवल और दो मेन थ्योरी था जो तुम एक बार और वीडियो को देखोगे तुम्हें याद हो जाएगा। देखो ऐसे इंग्लिश में कभी डायरेक्ट थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन तो नहीं आता है लेकिन देखो आने का कुछ भी आ सकता है तो ठीक है प्रिपरेशन अच्छे से कर लेना।